उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरिद्वार के माया देवी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। दर्शन पूजन के बाद रोड शो, मेगा रोड शो करेंगे। रोड शो में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक की भी मौजूदगी जो है रहेगी, इसकी बैठक लेंगे और वहां पर तमाम कार्यकर्ता जो है मौजूद रहेंगे। तो हरिद्वार के माया देवी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद मेगा रोड शो किया जाएगा जेपी नड्डा के द्वारा। तो इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे साथ में। तो ये मेगा रोड शो आज होने वाला है। बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक की भी बैठक लेंगे जेपी नड्डा। आपको बता दें, चुनाव के लिहाज से ये जो दौरा है वो बेहद खास है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। धर्मेंद्र चौधरी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी है आज जेपी नड्डा कितने बजे पहुंचेंगे, कार्यक्रम स्थल कहाँ होगा और किस तरह से मेगा रोड शो का प्लान किया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आज हरिद्वार में दौरा है और तीन उनके कार्यक्रम हैं जो अभी तक शेड्यूल आया है। 10:50 पर वो हरिद्वार पहुंचेंगे और सबसे पहले वो माया देवी मंदिर पहुंचेंगे। वहाँ माँ माया देवी की वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और वहीं पर, चूंकि जूना अखाड़े परिसर के अंदर ही माया देवी का मंदिर है, तो वहाँ पहले से कार्यक्रम रखा गया है। जूना अखाड़े सहित जो अन्य अखाड़ों के साधु संत हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे, मुलाकात करके आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद जेपी नड्डा का जो दूसरा कार्यक्रम है वो आर्य नगर चौक से और ऋषिकुल तक एक बड़ा रोड शो रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उसमें मौजूद रहेंगे। उसके साथ जो हरिद्वार लोकसभा सीट के प्रत्याशी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वो रहेंगे और स्थानीय जो विधायक हैं मदन कौशिक, उनके साथ ही जिलाध्यक्ष या अन्य जितने बड़े पदाधिकारी हैं बीजेपी के वो उसमें रहने वाले हैं। तो इस दौरान जेपी नड्डा रोड शो करेंगे और जनता से, लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में समर्थन जुटाएंगे, वोट मांगेंगे और जिताने की अपील करेंगे। तो ये रोड शो, जेपी नड्डा के दौरे को लेकर जानकारी मिल रही थी कि दो दिवसीय दौरा रह सकता है, तो ऐसे में क्या दो दिवसीय दौरा है ये जरा कन्फर्म करिए आप। देखिए, दो दिवसीय दौरा है, कल से वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जेपी नड्डा। वो कल उनका देहरादून में उस क्षेत्र में टेहरी क्षेत्र में उनका दौरा था, आज ये दूसरा दिन है और जो दूसरे दिन वो हरिद्वार में रहेंगे। तीन उनके आज के यहाँ पर कार्यक्रम है। रोड शो मैंने आपको बता दिया, साधु संतों का कार्यक्रम मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन इसके साथ ही जो तीसरा बड़ा कार्यक्रम है वो जो बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ पालक हैं, शक्ति केंद्रों के जो संयोजक हैं उनके साथ ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज का जो मैदान है वहां पर तैयारी चल रही है, बड़ा टेंट लगाया गया है, वहां पर उनसे वार्ता करेंगे और उन्हें लोकसभा चुनाव के जीतने के जो मंत्र हैं वो उनसे साझा करेंगे। तो इस तरह का पूरा कार्यक्रम रखा गया है जेपी नड्डा का, और जेपी नड्डा के कार्यक्रम को देखते हुए व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। और क्योंकि पहले जूना अखाड़े आएंगे तो जूना अखाड़े में जो साधु संत हैं, तो कल वहां पर साधु संतों से भी जो स्थानीय यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं उन लोगों ने मुलाकात करके जायजा लिया है कि पूरी तैयारियों की व्यवस्था का वहां जायजा लिया है, किस तरह से वहां पर रहने वाला है। दूसरी बात, पूरे तौर पर जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो उत्साहित हैं, क्योंकि जो जेपी नड्डा का रोड शो होने जा रहा है उसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। और ये क्योंकि पहला एक बड़ा स्तर पर कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट पर पहला एक वीवीआईपी जो प्रचारक है उसका रोड शो होने जा रहा है, तो इसमें मुख्यमंत्री भी रहेंगे, बड़े स्तर पर ये रोड शो किया जाएगा। उसके बाद का जो कार्यक्रम है बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक और शक्ति के संयोजक के साथ मीटिंग करेंगे और उन्हें जीत का मंत्र देंगे। ठीक है, चलिए धर्मेंद्र, अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम जानकारियां आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते बात करेंगे टिहरी लोकसभा सीट को लेकर कोर कमेटी की बैठक, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में मौजूद रहे। तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत भी मौजूद रहे। तो टिहरी लोकसभा क्षेत्र के 11 विधायक तो मौजूद रहे। चुनाव में जीतने को लेकर रणनीति बनाई गई है, तो ऐसे में उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें उन्हें कैसे फतह की जाए इसको लेकर पूरा खाका तैयार किया गया और बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है।